एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से और अभी मैं फ्री हो गई हूँ सारे काम करके। तो आज मैं थोड़ी फ्री थी तो मैंने सोचा चलिए कुछ करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी की जाए। तो मेरे पास ना काफ़ी टाइम से ये बोतल पड़ी है, ये देखिए कितनी प्यारी है, तो ये समझ सकते हैं आप किस चीज़ की हो सकती है। तो ये पड़ी थी काफ़ी टाइम से और मैंने इसको संभाल के रखा था क्योंकि इसकी शेप देखिए कितनी अच्छी है। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं कलर करूँगी और कलर करने के बाद ये बहुत प्यारी लगेगी। फिर मैं आपको आगे आगे दिखाऊँगी कि कैसे मैं इसमें कलर करूँगी। फोन टिकाती हूँ पहले, और ट्राईपॉड लिया है लेकिन उसमें फोन नहीं टिकाती हूँ, कभी वैसे ही रखा है उसको संभाल के, उसका यूज़ ही नहीं होता है। अभी लाती हूँ उसको ज़रा, क्योंकि उसका यूज़ करना पड़ेगा उसी। ये देखिए ये लिया हुआ मैंने, लेकिन यूज़ कम ही करती हूँ जब याद आती है। मैंने फ़ोन को अच्छे से टिका दिया है, तो बस ये देखिए ये बोतल है, इसमें कलर करना है। और ये है कैंटीन कलर, मैंने लेके आई मार्केट से। देखिए वाटर कलर है, और एक मिली है छोटी सी ब्रश जो कि बिल्कुल बेकार है। ब्रशेज तो मेरे पास भी थी बहुत सारी, पता नहीं होगी कहाँ पर, ढूंढनी पड़ेगी। इस ब्रश से तो चलेगा नहीं काम। इसमें कलर करूँगी, कौन सा कलर करूँ? देखिए ये कलर है, इतने ही है। तो मैं सोच रही हूँ एक कलर नहीं करूँगी, बहुत सारे कलर करूँगी, इसको मैं कलरफुल बनाऊँगी, अच्छी लगेगी आई थिंक। बाकी देखते बाद में। कैसे गई एक ब्रश, लेकिन ये आगे से पूरी जाम हो चुकी है क्योंकि मैंने ना इससे दूसरे वाले जो घर में लगते हैं ना कलर, वो लगाए थे। अब देखते हैं ये चलेगी या नहीं। और ब्रश भी थी मेरे पास लेकिन मेरे को मिल नहीं रही है, ये नहीं चलेगी आई थिंक। कौन सा कलर निकालो सबसे पहले, पानी भी तो जी होगा मेरे को, ब्लैक एंड ब्लैक। इस तरह की आउटलाइन दे दी मैंने ब्लैक से सबसे नीचे। बंद बंद बंद, नो नो। हो गया कुछ इस तरह से ब्लैक। अब आगे देखते हैं क्या प्रोसेस रहेगा, आगे मैं कौन कौन से कलर करती हूँ। तो बस तो अभी मैंने ब्लैक के बाद येलो किया कुछ इस तरह से, बाकी देखते हैं आगे आगे क्या क्या करती हूँ। तो देखिए अभी मैंने कुछ इस तरह से इसमें कलर कर दिया रेड रेड, बाकी देखते हैं आगे क्या क्या करती हूँ मैं। तो अभी ना मेरी बोतल कुछ इस तरह की लग रही है, ये देखिए कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और अब मैं आगे करती हूँ कुछ कलाकारी। देखिए अभी कुछ इस तरह की बन चुकी है ये, अजीब जैसी कलर लगा दी मैंने, पता नहीं लग रहा था कौन से कलर लगाऊं।
अब इसमें और क्या कर सकते हैं, देखते हैं अभी चीज़ सूखने देते हैं पहले। तो अब ना कुछ इस तरह की बिंदी बिंदी लगाऊंगी उंगली से। तो भी मेरी बोतल बन चुकी है, आई थिंक इतना ही ठीक रहेगा, थोड़ा खाली खाली भी ठीक है, ज़्यादा भरा भरा भी अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ इस तरह की बनी है। अब मैं इसमें फूल डाल के देखती हूँ कैसी लगेगी। ये फूल है ना, ये मैं इस बोतल में डालूंगी, और जो ये है ना, ये फ्लावर पॉट, ये भी मैंने एक गत्ते का बनाया है, गत्ता था एक पड़ा हुआ, खाली डब्बा किसी चीज़ का था, उससे बनाया हुआ था। अब मैं इन फूलों को इस बोतल में डाल के देखती हूँ कैसे लगेंगे। ये फूल हमारे खेतों के हैं, हमारे खेतों के नहीं है लेकिन औरों के खेतों के हैं, लेकिन हमारे खेतों में भी मिल जाते हैं ऐसे फूल। इसमें कम ही फूल आएंगे आई थिंक। बस तो इससे ज़्यादा फूल इसमें आ भी नहीं रहे, तो देखिए कैसा लग रहा है ये फ्लावर पॉट। अभी आपको टेबल के ऊपर रख के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो कुछ इस तरह का लग रहा है ये, टेबल खाली पड़ा था तो इसके ऊपर कोई मेरा क्राफ्ट डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आज की ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये देखिए मेरे हाथों के क्या हाल हो गए।